फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका एंड टुडे इज माय टॉपिक इंसुलिन। तो लेट्स बिगिन टू स्टार्ट इंसुलिन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंसुलिन जो नॉर्मली हमारी बॉडी में एक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो इंसुलिन का स्पेशन करती है, लाइक बीटा सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है जो इंसुलिन का स्पेशन करती है, बट हमें कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें आर्टिफिशियल इंसुलिन देना पड़ता है, लाइक इंडिकेशंस डायबिटिक एसिडोसिस एंड हाइपरकैलेमिया। यहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंसुलिन पेशेंट को देते हो, एडमिनिस्टर करते हो। तो अभी ये बात आती है कि इंसुलिन जो है कितने टाइप का होता है। इंसुलिन जो हमारा 4 टाइप का होता है। सबसे फर्स्ट जो होता है टाइप ऑफ इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, जो रैपिड एक्ट करती है। लाइक इसमें जो एग्जांपल होता है वो लिस्प्रो इंसुलिन होता है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करें यहाँ पे तो 3 to 6 आवर इसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है। नेक्स्ट में बात करना चाहूंगी आपसे जो होते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है वो रेगुलर इंसुलिन होती है। टाइम पीरियड 6 to 10 आवर्स यहाँ पे होता है इनका। ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है कितने टाइम में एक्ट करती है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट जो है इंटरमीडिएट इंसुलिन होती है। इनके एग्जाम्पल बहुत पूछते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर। जो इंटरमीडिएट इंसुलिन होती है उसमें एनपीएच आती है। एनपीएच का जो फुल फॉर्म होती है न्यूट्रल प्रोटामाइन हाइड्रोजन होता है, और इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है वो 16 to 24 आवर्स होता है। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो आती है अल्ट्रानेट एंड ग्लार्जिन इंसुलिन, 2 टाइप की इंसुलिन हम इसमें यूज करते हैं, और इसका टाइम ऑफ पीरियड जो होता है 18 to 24 हार्स होता है। यहाँ पे मैं लिख नहीं पाई हूँ, तो यहाँ पे 18 to 24 हार्स होगा। लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पे आपको, जो ये जो इंसुलिन होती है हम किसी भी इंसुलिन के टाइप, किसी भी इंसुलिन के अंदर हम इसको मिक्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखा है एक वर्ड, नेवर मिक्स एनी टाइप ऑफ द इंसुलिन, याद रखना। यही एक जो इंसुलिन होती है यहाँ पे हम इसको मिक्स नहीं कर सकते। तो ये हमने पढ़े टाइप ऑफ इंसुलिन। अभी बात करते हैं कि इसमें निडल डोज कितना नंबर का यूज होता है। जो आपकी इंसुलिन सिरिंज होती है उसमें 27 to 29 जो डोज है वो हम यूज करते हैं। लेंथ की बात करो 0.5 inches जो होती है लेंथ वो यूज करते हैं। देन आता है जब भी आप एडमिनिस्टर करते हो इंसुलिन को तो कितना डिग्री एंगल यूज करते हैं। बट बहुत सी बुक में 90 डिग्री एंगल दिया होता है, वो एक्यूरेट है। लेकिन नॉर्मली जब हम थ्योरी पोर्शन पढ़ते हैं तो एक वर्ड दिया होता है 45 to 90 डिग्री एंगल आप यूज कर सकते हो नॉर्मली पेशेंट्स के अंदर। लेकिन जब बात करें कि थिन पेशेंट के अंदर आप कितना डिग्री एंगल यूज करोगे, तो 45 to 60 डिग्री एंगल जो होता है थिन पेशेंट में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट चल रहे हैं, हमेशा जब भी इंसुलिन का यूज करते हो आप पेशेंट को, तो शुड बी कीप इन कूल प्लेस, हमेशा जो है नॉर्मली वो कूल प्लेस पे होना चाहिए। एंड अवॉइड फ्रीजिंग एक्सपोजर टू सनलाइट, हमेशा जो है फ्रीजिंग नहीं करना है इसको, और जो सनलाइट के एक्सपोज जो एक्सपोजर्स होते हैं उससे प्रिवेंट करके रखना होता है। फिर एक ऑप्शन क्वेश्चन न्यू आ रहा है, बिफोर इंसुलिन एडमिनिस्टर एट रूम टेम्परेचर, जब भी आप किसी पेशेंट को इंसुलिन को एडमिनिस्टर करने जाते हो तो हमेशा वो इंसुलिन रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद एक फिर एक लाइन आती है, द क्लाइंट शुड बी इंस्ट्रक्ट नॉट टू द सेम टाइम 2 to 3 weeks। आपको क्लाइंट को ये इंस्ट्रक्ट करना है, पेशेंट को डिस्चार्ज जा रहा है तो आपको ये इंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पे कि पेशेंट जो है नॉर्मली हम जो भी इंसुलिन यूज करते हैं आप जो है 2 to 3 weeks तक ही एक जो एक प्लेस पे आप यूज कर सकते हो। यदि आपने इससे ज्यादा यूज किया तो वहां पे क्या होगा, कैन कोज लाइपोडिस्ट्रॉफी, जो कि लाइपोडिस्ट्रॉफी देखी जा सकती है, और ये एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है सबकुटेनियस इंजेक्शन की। और लाइपोडिस्ट्रॉफी में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा किसी पेशेंट को जब लॉन्ग टाइम तक इंसुलिन एक ही साइड पे लगाई जाती है तो वहां पे आपने देखा है पिंकिश कलर का और ब्लूइश कलर के जो है आपकी जो स्किन वो दिखाई देती है, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होना कम होना शुरू हो जाती है। इसीलिए लाइपोडिस्ट्रॉफी हमने वर्ड दिया कि लाइपोडिस्ट्रॉफी देखने को मिल सकती है। तो हमेशा पेशेंट को आपको एडवाइस करना होता है कि 2 to 3 weeks बाद आपको अपनी साइड को चेंज करते रहना है। एक बार एक क्वेश्चन आया था इंसुलिन, आई थिंक आपको याद हो कि नॉर्मली जब भी हम पेशेंट का एनाटॉमिकल एरिया जो भी आप यूज करते हो, वैसे तो नियर द अम्बिलिकस जो होता है वो कि बहुत ही जो है मोस्ट कॉमन मानते हैं हम लोग कि यदि हम पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्ट कर रहे हो तो सबसे मोस्ट कॉमन साइड कौन सी होती है, तो मोस्ट कॉमन साइड नॉर्मली हमारी होती है नियर द अम्बिलिकस या मैं कहूँ एब्डोमिनल एरिया। वैसे हम आर्म पे, शोल्डर पे, थाई पे, यहाँ पे सब जगह यूज करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन पूछे तो आपको एब्डोमिनल एरिया आएगा नियर द अम्बिलिकस। लेकिन अभी 19 में क्वेश्चन आया था, आप लोगों को याद हो, प्रीवियस पेपर सोल्व किए आप लोगों ने तो पढ़ा होगा वहां पे क्या देखा कि वहां पे एक न्यू क्वेश्चन था। नॉर्मली यदि हम किसी साइट पे इंसुलिन यूज कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे सिर्फ देखना आप, यहाँ पे मैंने पेशेंट को इंसुलिन दी, ठीक है, ये पेशेंट का पॉइंट है और ये जो एनाटॉमिकल एरिया है, ठीक है, 2 to 3 weeks तक आपने ये यूज किया, लेकिन आपको नेक्स्ट टाइम पे यूज करना है तो आप कितना, ठीक है, इस एनाटॉमिकल एरिया से कितना आगे फॉर्म करोगे
कितना दूरी पे आप जो है डिस्टेंस मेंटेन करके आप लगा सकते हो। ये नहीं है कि आपने यहाँ पे ही लगा दोगे, आप यूज करोगे 1.5 इंचेस, ठीक है, आप यूज करोगे 1.5 इंचेस। और यही सिंपल सा क्वेश्चन जो है एम्स में पूछ लिया गया था, क्योंकि नॉर्मली आप इंसुलिन पेशेंट को दे रहे हो और आपको जो है 2 से 3 वीक बाद हाइट चेंज करनी है, तो आप कितना इंचेस के अंदर जो है चेंज करोगे, तो आंसर था 1.5 इंचेस जो हम जो है नाकमे का एरिया से अवे फ्रॉम इंसुलिन दे सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, कैसा लगा आपको मेरा टॉपिक, आई होप आप सबको ये न्यू जो नॉलेज है बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू सो मच, थैंक यू।